पीहू जा रही है घूमने। गुड आफ्टरनून। बारिश भी हो रहा है, देखो ना की बोलो। पीहू को घुमाने लाओ तो पीहू सो जाती है, पीहू को गाड़ी में नींद आता है, इसलिए हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं मेरा ये ब्लॉग। तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं चला होगा, लेकिन घूमने जा रहे हैं। शाम हो गई है तो थोड़ा बहुत पीहू को आउटिंग के लिए हम लोग वीक में एक या दो दिन ले जाते हैं, क्योंकि घर पर रह रहे वो भी पक जाती है और मैं भी। तो हम लोग आउटिंग के लिए यहाँ जा रहे हैं। बारिश भी हो रही थी लेकिन रुक गई थी, और मौसम बहुत ही अच्छा है अभी। कोलकाता का वेदर काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग अभी निकले हैं इको पार्क के लिए, जो कि हमारे घर से अबाउट 1 आवर की दूरी पर है। और मैडम हमेशा ही गाड़ी में सो जाती हैं, अभी सो के ही उठी हैं। तो चलिए अब पार्क में मिलते हैं और दिखाते हैं। वैसे मैं पहले भी जा चुकी हूँ इस पार्क में बिटवीन लॉकडाउन, मतलब आधा लॉकडाउन था और आधा लॉकडाउन हट चुका था तब मैं गई थी। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो ये आप मान सकते हो कि ये मेरा पहला वीडियो है इको पार्क के लिए। तो रास्ते में इधर उतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी हम लोग के साइड हुई थी, और वो पार्क बहुत बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कैसा है क्या है। फाइनली हम लोग 1 घंटा ट्रेवल करके यहाँ पहुँच चुके हैं। 1 घंटा नहीं लगा, फिर भी 40 मिनट्स लगा है। तो चलिए टिकट्स लेते हैं अब यहाँ पे। यहाँ पे टिकट्स के प्राइस हैं 30 रुपीज़ पर हेड। ये है टिकट काउंटर, पहले टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। हाँ बोलो, तुम्हारे टिकट को लाया। हम लोग अंदर इंटर कर चुके हैं और पार्क ऑलमोस्ट इस टाइम खाली था ऐसा हम लोग को लग रहा था, लेकिन आगे चल के काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं कहीं पानी जमा हुआ था यहाँ पे। पूरा पार्क खाली है, उतना भीड़ भाड़ नहीं है बारिश की वजह से भी। हाँ देखे हो अपना पीहू को। ओए लड़की, ओए पीहू, मजा ना घूम। तो चलिए पार्क हम लोग घूमते हैं। ये पार्क काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके बनाया हुआ है, और काफ़ी बड़ा पार्क है। इसका एक पार्ट वो वाला था जहाँ पे 7 वंडर्स पार्क है, जहाँ पे मेरी सिस्टर लोग आई थी तो हम लोग गए थे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही वाव वाला पार्क है, वहाँ पर 7 वंडर्स बनाए गए हैं। तो यही पार्क का वो एक हिस्सा है जहाँ हम लोग पहले जा चुके हैं एक बार, और दूसरा वाला हिस्सा ये है जहाँ सिर्फ वॉकिंग वगैरह बच्चे खेलने आते हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चलिए फटाफट पार्क का एक चक्कर मार के फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
जा रही है पीहू, देखो पापा को दिखो। जा रही है फोटो पापा। ना मासी मा एटाई এটাই জিন্দা নাই মোরা করলাম তো হ্যাঁ মোরা আছে এটাই তো फाइनली हम लोग वॉक करते करते सोच रहे थे कि ये पार्क इतना बड़ा है कैसे घूम पाएंगे। तो अचानक से हमने हमारे बगल से एक ऑटो गुजरा, ट्रेन गुजरी जो कि टॉय ट्रेन वगैरह थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको रेंट पे लेते हैं और फिर पूरा पार्क घूमते हैं। तो कुछ देर के बाद हमने क्या किया कि पूरा ऑटो एक बुक कर लिया और आसानी से हम पूरा पार्क घूम लिए। मैं आपको आगे वो क्लिप दिखाऊंगी। अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पीहू थोड़ा बहुत मतलब रोने लगी थी क्योंकि थोड़ी सी उमस थी, गर्मी थी, बारिश होके रुकी थी तो मौसम उमस वाला हो जाता है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो खासकर गर्मी का। बड़े तो फिर भी झेल ले लेकिन बच्चे नहीं झेल पाते हैं ये सब चीज़ें है, लेकिन उधर तो उनके अकॉर्डिंग ही अब हमारा रूटीन भी बन जाता है जैसा वो चाहती है, जैसा उसका सोने का टाइम है, उठने का टाइम है। तो हमारे भी उसी के ही क्या कह सकते हैं आप, रूप में कन्वर्ट होना पड़ता है कि हाँ वो जब जैसा हो रही है वैसा ही करना है। तो यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, फीड भी नहीं ले रही थी वो, हमें लगा उसे भूख लगी है पर वो फीड भी नहीं ले रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो बुक किया ताकि उसे ऑटो जब चलेगी तो हवा भी लगे और थोड़ा बहुत वो फ्रेश फील करे, उसे गर्मी ना लगे। आई बुला रही है, बुला रही है, आई पीयू। अभी कहाँ जाएगी पीयू? अभी ट्रेन पे घूमेगी। दो ठो आम है, ये कौन खाएगा? ये पीयू खाएगी। ये रेलगाड़ी है। पहले हमने इसी पे टॉय ट्रेन पे चढ़ने का सोचा था पर इसके खुलने की टाइमिंग थी जो कि थोड़ी लेट थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो ये वाला ऑटो कर लेते हैं और तब घूमते हैं। फिर हम लोगों ने ये ऑटो बुक किया और इसकी प्राइस थी बुकिंग की आई थिंक 800 के आसपास। बुक करके फिर हम लोग पूरा वो पार्क घूम रहे थे। चश्मा खो गया था तो कैसा लग रहा था। मिल गया फाइनली। यहाँ पे क्या हुआ, जब पीहू को गर्मी लग रही थी तो वहाँ पे इन्होंने अपना गूगल्स वगैरह खोल के रख दिया था तो वो चश्मा वहीं पे छोड़ के भूल आए थे। थोड़ा कॉस्टली था वो चश्मा तो हमें टेंशन हो गई कि अब तो मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल मिलने से ही रहा। तो एक घटना होते होते बच गई। जब ये दोबारा गए तो वहीं पे गूगल्स वो रखा हुआ था, किसी ने कोई लिया नहीं था। ये भागे भागे गए देखने के लिए कि है कि नहीं है, तो हमारा यहाँ पर नुकसान होने से बच गया, नहीं तो अबाउट बहुत थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता हमारा। तो यहाँ हमने ऑटो लिया और पूरे पार्क का चक्कर लगा रहे थे। और ये एफिल टावर है जो कि बनाया गया है वहाँ पे, मतलब एफिल टावर नहीं है, मतलब उसी का कॉपी बनाया गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में। और आप भी देखिए और चलिए फटाफट पार्क का चक्कर लगाते हैं।
बड़ा मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा और पूरा पार्क का चक्कर लगा लिया हमने बस कुछ ही मिनटों में, 30 या 20 मिनट्स में। চশমা খতে খতে বাঁচি গিয়া চাঙ্গা চাঙ্গা ছেলে থাকলে বেশি বদমাশি করে পিহু তো আদার টাইম সোই রেতি পিহু আরে উঠ গই পিহু দেখ আব চলে হম লোক ঘর শাম হো গিয়া এক ঘন্টা লাগ জায়েগা ঘর পৌঁছনে মে ইসলিয়ে আব নিকলতে হ্যায় দেখতে না মম্মা দেখতে না যা अच्छी खासी भीड़ है, मतलब वीकेंड्स को छोड़ के भी अभी भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे जाना। A few moments later. कुछ घंटों के बाद फिर हम लोगों ने मासी को ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग खाने के लिए चले आए। ये नया यहाँ पे बारबेक्यू नेशन का ब्रांच खुला था तो हम लोग ट्राई करने चले आए। पीहू यहाँ आराम से लेटी थी, आराम से हमें खाने दे रही थी। तो ओवरऑल यही था मेरे ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और देखो पीहू कितने आराम से सो रही है और हमें खाने दे रही है। और यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मॉनसून ऑफर वगैरह चल रहा था, आप देख रहे हो छतरी वतरी लगी हुई है, मतलब इस टाइप के थीम को लेके इसको डिज़ाइन किया गया था। चाट पकौड़े सब कुछ मिल रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने पेट पूजा की और घर चले आए, क्योंकि लंबा इस आज का दिन गया हमारा, 3 से 4 घंटा पार्क में गया, फिर 2 घंटा खाने में गया, तो काफ़ी थक गए थे तीनों लोग, मैं भी, पीहू भी, पीहू के पापा भी, और मासी घर चली गई थी। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन गया और बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि पीहू भी घूम ली, हमारा भी थोड़ा बहुत आउटिंग हो गया, खाना पीना भी हो गया, बस जाके सोने की तैयारी हो रही थी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक ज़रूर कर देना।